वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 8 देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, क्लास 10th, 23rd of July की। इसके अंदर टॉपिक जो डिस्कस करेंगे हम, वो हम डिटरमाइनर्स हैं, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 11th ऑफ जुलाई की जो वर्कशीट है उसमें। डिटरमाइनर्स होते क्या हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब हो गया जो पहले लगाए जाते हैं, प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन। नाउन क्या होते हैं? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, कोई एनिमल का नाम और थिंग का नाम। जैसे के लिए हम बोल सकते हैं आई लिव इन इंडिया, इंडिया यहाँ पे नाउन हो गया। जेरी इज माई फ्रेंड, जेरी जो हो गया वो नाउन हो गया। आई लव डॉग्स, तो डॉग जो हो गया वो नाउन हो गया। तो प्रीफिक्स क्या हो गया? उससे पहले वाला जो वर्ड लगाया जाता है डिटरमाइनर्स, टू डिटरमाइन द मीनिंग, उसका मीनिंग बताने के लिए। लास्ट जो वर्कशीट थी जो 11th of July को आई थी, उसमें हमने पढ़ा था मच और मैनी का मतलब क्या होता है। सो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, सो मैनी से मुझे पता चलता है कि मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम और एनी के बारे में। तो इसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। जो एनी है वो बेसिकली क्वेश्चन के लिए यूज होता है, जब आप क्वेश्चन किसी को करते हो, जैसे कि डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, एनी मनी, क्या तुम्हारे पास, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो आप जब वो क्वेश्चन करते हो तो वो एनी यूज होता है। या फिर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, I don't have any money, I don't have any pen. तो आपने मूवीज में भी देखा होगा जब वो पकड़ लेता है, तुम्हारे पास पैसे हैं, I don't have any money, इस तरीके से वो बोलता है। जो नेगेटिव, मना करने के लिए आप यूज करते हैं, तो आप एनी वर्ड यूज करते हो। सम, सम बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। I have some money, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। I have some friends, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। पॉजिटिव सेंटेंस दिखाता है। बोथ मे बी यूज फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल हो गया जिसको आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल हो गया जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है। काउंटेबल हो गया, जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स, मैं काउंट कर सकता हूँ, 5-7 काउंट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ आई हैव सम राइस, मैं उसको काउंट नहीं कर सकता। आप बोलोगे मैं जबरदस्ती काउंट करूंगा, बट आप रोज बैठ के काउंट नहीं करते उस चीज को, बट फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हो। तो आई हैव सम राइस, आई हैव सम शुगर, तो उसके लिए आप जो यूज करते हो वो अनकाउंटेबल नाउंस हो गया। तो आइए देख लेते हैं, टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनको भी रीड कर लेते हैं। सो ये सम के लिए है और ये एनी के लिए टेबल है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एनी जो है वो क्वेश्चंस के लिए यूज होता है और सम जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी यूज होता है, सम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। सम जो है कई बार, जब आप कोई आंसर येस में चाहते हो किसी से, वुड यू लाइक सम टी, जब आप किसी को ऑफर करते हो तो आप चाहते हो कि वो येस बोले, नो भी बोल सकता है, बट यू एक्सपेक्ट दैट आंसर, कि आप एक्सपेक्टेशन लगाते हो कि वो आंसर बोलेगा। वुड यू लाइक टू हैव सम फूड, इस तरीके से। या फिर आप किसी को, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, कैन आई हैव सम टी, कैन आई हैव सम मनी, जब आप फादर से मांगते हो, कैन यू गिव मी सम मनी, या आप दोस्त से मांग सकते हो, कैन यू गिव मी सम पेन, या वन पेन तो बोलते हैं वैसे बेसिकली, या बोल सकते हैं कैन यू गिव मी सम चॉकलेट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो। तो आगे वर्कशीट दे रखी है, वर्कशीट भी देख लेते हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट डैश वाटर। सो डैश वाटर, जो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल हो गया, तो हम लिखेंगे सम वाटर। सिंस देन एनी हैज बीन अलाउड टू टॉक,
एंड हैजंट बीन असाइंड डैश एक्स्ट्रा वर्क, तो उसको हैजंट, यहाँ पे हैजंट क्यों फोकस करने की जरूरत है, हैजंट एक नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, और नेगेटिव हमने बताया था कि नेगेटिव के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं एनी, हैजंट असाइंड एनी. ओके, दे हैव वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडर, ये नाम है, डोंट गेट कंफ्यूज, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है. दे हैव वेटेड एंड वेटेड फॉर राम टू हैव डैश फन विद हर, सम विद फन विद हर. सम इसलिए हम यूज कर रहे हैं बिकॉज ये अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकता है, नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं है. सम फन विद हर. मैडी वुड नेवर हैव पेड डैश अटेंशन, नेवर, यहाँ पे जो नेवर वर्ड है उसके ऊपर फोकस करेंगे हम. नेवर से पता चलता है ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया. सो मैडी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन, एनी अटेंशन टू वेंडी इफ पैडी हैजंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, व्हाटएवर. वेंडी, वेंडर डिडंट हैव एनी फ्रेंड, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, डिडंट से पता चल रहा है. Vendor has been absent from school for some days, कुछ दिनों से. थोड़ा इसका मीनिंग आप डेली लैंग्वेज में आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा. In the opinion of the judges, dash one of the drawing is worthy. Any one of the drawing, कोई भी जीत सकता है, anyone, not someone. Okay, any one of the drawings is worthy of winning the prize. Vander will not come to your school anymore. यहाँ पे won't, will not जो है वो बता रहा है कि negative sentence है. Anymore. Dash say the world will end in fire. जब हम पूछते हैं कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग का मतलब क्या, some say the world will end in fire. Some say in ice. If you have dash doubt, अगर आपके पास कोई भी doubt हो, मतलब any doubt, if you have any doubt, let your teacher know without hesitation. जैसा कि ये sentence बता रहा है, आपको भी कोई भी doubt हो तो आप बिना hesitation के आप comment box में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो आज के लिए अभी इतना ही, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो.